सब्सक्राइब कीजिए यहाँ एवरीथिंग को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिनव, आप देख रहे हैं यहाँ एवरीथिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो एपिसोड में हम यहाँ पर कल्ट ग्लेडिएटर का फुल रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसका अनबॉक्सिंग पहले ही कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको कार्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप जाकर देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा कि इसका कैमरा कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है और क्या आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए 7000 के रेंज में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों आप इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कल्ट ग्लेडिएटर की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 4000 एमएएच का बैटरी मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस रियर कैमरा मिलेगा विद फ्लैश लाइट के साथ, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलेगा विद फ्लैश लाइट के साथ, 3GB रैम मिलेगा और 32GB इंटरनल स्टोरेज इसके साथ मिलेगा आपको, 5.5 इंच का HD डिस्प्ले मिलेगा 720p और इसमें आपको 2.5D कर्व ग्लास के साथ ये डिस्प्ले आपको मिलेगा। इसमें आपको 1.25 GHz क्वाड कोर MediaTek का 6737 64-bit प्रोसेसर मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको यहां पर दिया गया है इस फोन के साथ और मेटल बॉडी के साथ आता है Android 7.0 Nougat और दोस्तों ये आपको डुअल 4G सिम के साथ सपोर्टेड यहां पर मिलेगा और इसमें आपको एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कल्ट ग्लेडिएटर का स्क्रीन कैसा है। तो दोस्तों ये HD स्क्रीन है, लेकिन आप अगर देखेंगे यहाँ पर फुल ब्राइटनेस के साथ तो काफी बढ़िया आपको ब्राइटनेस मिलता है। अगर आप किसी तरह से किसी भी एंगल से इस स्क्रीन को देखें तो आपको कहीं पर भी ब्लैक या किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत बढ़िया स्क्रीन दिया गया है। ऐसे तो फुल HD स्क्रीन नहीं है, लेकिन आप HD स्क्रीन के साथ भी काम कर सकते हैं और बढ़िया आप किसी भी एंगल से देखेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस स्मार्टफोन के स्क्रीन के साथ। और जहां तक बात है कि इसको आप अगर धूप में काम करेंगे, अगर आप धूप में इसको निकालेंगे काम करने के लिए, तो आप आसानी से देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके स्क्रीन के साथ, मैंने यहाँ पर ट्राई किया हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस का। दोस्तों अगर आप बात करें मल्टीटास्किंग का तो इसमें आपको 3GB का रैम मिलता है, तो आप यहां से आसानी से ये नॉर्मल होता है जैसे कि आप फेसबुक व्हाट्सएप बाकी जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है यूज करते हैं डेली के लाइफ में, आप आसानी से यूज कर पाएंगे, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके साथ मल्टीटास्किंग करने के लिए। लेकिन दोस्तों आप इसमें बड़े गेम नहीं खेल पाएंगे, जैसे कि बहुत बड़े बड़े गेम होते हैं वो नहीं खेल पाएंगे, इसमें आप नॉर्मल गेम खेल पाएंगे आसानी से। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर अच्छे यहाँ पर नॉर्मल यूज के लिए लेना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आप गेम खेलना चाहते हैं, बड़ा गेम आप नहीं खेलते हैं, तो आप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके साथ। आपको 3GB का रैम मिलता है और MediaTek का 6737 जो उतना भी बुरा नहीं प्रोसेसर है, आप इसमें मल्टीटास्किंग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज्यादा हायर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप एवरेज यहाँ पर यूजर हैं तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा व्हाट्सएप या फेसबुक या मैसेंजर करने में, आपको कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके साथ। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन का बैटरी कितना देर चलता है। तो दोस्तों इसमें 4000 एमएएच का बैटरी दिया गया है और अगर आप इसे चार्ज करेंगे 0% करके तो दोस्तों आपको फुल बैटरी चार्ज करने में इसके चार्जर के साथ लगभग 3.5 से 4 घंटा लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसे टेस्ट किया हुआ है, इसके चार्जर के साथ मैंने ही इसको चार्ज किया है और 3.5 घंटा से ज्यादा ही इसको फुल चार्ज करने में लगता है। अगर दोस्तों आप इसे फुल चार्ज कर लेंगे एक बार तो आप आसानी से एवरेज यूज में आप इसे 1 दिन से ज्यादा यूज कर पाएंगे। तो बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसे आसानी से 1 दिन से ज्यादा यूज कर पाएंगे नॉर्मल यूज में। वैसे तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को आप नॉर्मल यूज ही कर सकते हैं, ज्यादा यहाँ पर हायर आप गेम नहीं खेल सकते। तो दोस्तों अब इसके साथ हम देख लेते हैं कि इसके साथ जो फिंगरप्रिंट आता है वो कितना फास्ट है या नहीं है। दोस्तों मैंने इसे लॉक कर दिया, अब मैं आपको सामने दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसा आपको फिंगरप्रिंट मिलता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर टैप करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर लेट आता है, बहुत फास्ट नहीं दिया गया है, बहुत स्लो भी नहीं है, एवरेज यहाँ पर दिया गया है जिससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन उतना फास्ट नहीं है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है। अगर यहाँ पर मैं कैमरे में जाऊंगा तो ये जो 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है ये ऑटो फोकस के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं कि ऑटो फोकस के साथ ये कैमरा आता है। यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर फ्लैश लाइट का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है इसको बंद या चालू करने के लिए या ऑटो करने के लिए। उसके बाद आपको HDR मोड मिल जाता है जिससे फोटो कुछ डिफरेंट तरीके का आएगा, आप खींच सकते हैं। अगर यहाँ पर सेटिंग में जाएं तो आपको बहुत तरीके का यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग करने के लिए आपको मिल जाएगा, जो कि बेसिकली सभी कैमरे में अवेलेबल होता है।
अगर यहाँ पर मैं क्वालिटी में जाऊँ तो यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अब क्या क्या आपको मिल सकता है। अगर यहाँ पर फुल देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल तक आप यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे फुल स्क्रीन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 9 मेगापिक्सल में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं फुल स्क्रीन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली 9 मेगापिक्सल में आ जाता है। और दोस्तों अगर यहाँ पर मैं वीडियो में जाकर दिखाऊं कि कितना आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको EIS भी मिल जाता है, जिससे आपका वीडियो बहुत बढ़िया हो जाएगा इसको अनेबल करने के बाद। और यहाँ पर क्वालिटी आप इसको 720p तक क्लिक कर सकते हैं, फोटो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको नीचे कुछ यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, पैनोरामा मोड, वीडियो, फोटोज और ब्यूटी। यहाँ दोस्तों आपको यहाँ पर रियर कैमरे में भी ब्यूटी मिल जाता है, जिसे आप अप्लाई नीचे से कर सकते हैं। इसका यहाँ पर दिया गया है कितना आपको चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कितना यहाँ ये फास्ट इसका ऑटो फोकस है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्लो इसका ऑटो फोकस दिया गया है, यहाँ पर ज्यादा फास्ट नहीं है, ज्यादा स्लो भी नहीं है, तो आप इसे आसानी से यूज कर पाएंगे। मैं आपको कुछ फोटो सैंपल दिखाऊंगा। अब चलिए देखते हैं इसका सेल्फी सेंसर कैसा है। सेल्फी जो है इसका 8 मेगापिक्सल का है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो और फोटो और ब्यूटी यहाँ पर सेल्फी में दिया गया है। और सेम सेटिंग अगर यहाँ पर सेटिंग में जाकर दिखाऊं तो सेम यहाँ पर कंडीशन जो कि आपको रियल कैमरे में मिल जाता है, तो यहाँ पर सब कुछ आपको सेल्फी कैमरे में मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इसे मैक्सिमम 8 मेगापिक्सल तक का सेल्फी कैमरा ले सकते हैं, और इसे अगर आप फुल स्क्रीन करेंगे तो भी आप इसे 8 मेगापिक्सल तक का ले सकते हैं फुल स्क्रीन पर भी। दोस्तों अगर बात करें कि वीडियो आप कैसा क्लिक कर सकते हैं, कैसा रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके सेल्फी कैमरे के साथ, इसमें अभी तो आपको सेल्फी कैमरे में भी EIS मिल जाएगा, जिससे आपका वीडियो काफी अच्छा क्वालिटी आएगा, और वीडियो क्वालिटी आप इसमें 720p सेल्फी सेंसर से भी खींच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इसका क्वालिटी कुछ यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो पिक्चर क्वालिटी है। ये जो फोटो है ये डे लाइट में खींचा गया फोटो है और दूर से खींचा गया फोटो है विदाउट कोई जूमिंग का, तो काफी बढ़िया फोटो आया हुआ है आप देख सकते हैं। अगर आप अच्छे से फोटो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक अच्छा फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लो लाइटिंग में फोटो खींचा गया है जिससे कि क्वालिटी आप देख सकते हैं। और ये जो फोटो है यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आपको बुके इफेक्ट पीछे मिल जाएगा। अगर यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को करीब से खींचेंगे देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्वालिटी आपको यहाँ मिल जाता है, कितना डिटेल मिल जाता है। जो फोटो मैंने इसको क्लिक किया है सारा ये आप देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरे से क्लिक किया हुआ फोटो है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का आपका क्वालिटी मिल जाता है, कलर किस तरह का आपको मिल जाएगा। जो भी है ये सेल्फी सेंसर का कैमरा है, यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का फोटो है जो कि सेल्फी सेंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्यूटी मोड के साथ मैंने इसको क्लिक किया हुआ है जो कि काफी अच्छा फोटो क्लिक कर देता है, उतना ज्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन नॉर्मल यूज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर ये 13 मेगापिक्सल का रियल कैमरे से मैंने खींचा हुआ है जो कि काफी बढ़िया फोटो आ चुका है इसमें, लेकिन यहाँ पर फ्लैश लाइट बेकार यहाँ पर दिया गया है जो कि 8 मेगापिक्सल के कैमरे में है, सेल्फी सेंसर में कोई काम का नहीं है। लेकिन रियल कैमरे में जो फ्लैश लाइट है उसके साथ अगर आप क्लिक करेंगे तो बढ़िया फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने चलते हुए इसको क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सैकी हुआ है फोटो, लेकिन फिर भी यहाँ पर काम चला सकते हैं इसके फोटो के साथ। यहाँ पर मैंने इसे खड़ा होकर फोटो क्लिक किया है जो कि रात को मैंने क्लिक किया है, देख सकते हैं किस तरह का डिटेल आपको मिल जाएगा इसके फोटो के साथ। और जो ये फोटो है मैंने रात को ही क्लिक किया है, तो यहाँ पर नॉर्मल आप 13 मेगापिक्सल का कैमरे से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर फोटो अच्छा आ जाता है। अगर यहाँ पर बात करें इसके कैमरे के साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, कैसा आपको वीडियो मिलेगा, जो आउटपुट होगा वीडियो का वो कैसा मिलेगा आपको, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी यहाँ पर वीडियो में आ चुका है, थोड़ा सा सेकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यह फोकस करता है, मेरे हाथ को किस तरह से यह फोकस कर लेता है। ज्यादा फास्ट तो नहीं है लेकिन ज्यादा स्लो भी नहीं है, एवरेज आपको यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फ्रंट कैमरे से जो वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है किस तरह से आपको क्वालिटी मिल जाएगा, तो काफी बढ़िया ये क्वालिटी दिखने में लग रहा है 720p यानी HD क्वालिटी में आप इसे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन रात में बिल्कुल यहाँ पर बेकार आता है इसके फ्लैश के साथ, तो देख सकते हैं किस तरह का आपको रात में क्वालिटी मिल जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर अगर बात करें कल्ट ग्लेडिएटर का कैमरे की परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पर एवरेज आपको बढ़िया कैमरा मिल जाएगा जो कि 7000 के रेंज में, आप इससे अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज के लिए नॉर्मल यूज के लिए लेना चाहते हैं और एक 5.5 इंच का डिस्प्ले चाहते हैं, अच्छा बैटरी बैकअप चाहते हैं और नॉर्मल यहाँ पर टास्क के लिए आप अगर लेना चाहते हैं तो इसे खरीद सकते हैं amazon.in से। मैंने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।